तो जंगलों में एक से एक बढ़कर खतरनाक जानवर पाए जाते हैं और उन्हीं में से आता है दोस्तों बाज, जो कि एक पक्षी है। वह दोस्तों अपने शिकार को ऊंचाई पर उड़ते हुए देख लेता है और जैसे ही दोस्तों उसे मौका मिलता है वह अपने शिकार को अपनाने वाला बना लेता है। यहाँ पर दोस्तों इस बाज ने एक सांप को अपना शिकार बनाया हुआ है और उसे दोस्तों धीरे धीरे अपने नुकीले पंजों से और चोंच के द्वारा उसे खा रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों इस बाज ने एक छोटे कॉमोडो ड्रैगन को अपना शिकार बना लिया है। बाज जो होते हैं दोस्तों अपने पंजों से इतनी बेरहमी तरीके से जानवर को जकड़ लेते हैं कि वह उनके पंजों से निकल पाना उस जानवर की बस की बात नहीं होती है। और दोस्तों उनके पंजे काफ़ी खतरनाक और पैने होते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इनके पंजे और इनकी पैनी चोंच होती है जो कि काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। वह किसी भी जानवर को पल भर में ही फाड़ने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बाज ने अब इस छोटे कॉमोडो ड्रैगन को नोचना शुरू कर दिया है, उसे खाना शुरू कर दिया है। यह दोस्तों अपना शिकार ऊंचाई से उड़कर देखते हैं। जैसे दोस्तों इन्हें लगता है कि यहाँ पर इनका शिकार घूम रहा है और वह इसका शिकार कर सकते हैं, तो दोस्तों वह बिना कुछ देरी किए उस शिकार पर हमला बोल देते हैं और उसे अपनाने वाला बना लेते हैं। वह दोस्तों इतने ख़तरनाक होती हैं कि पहाड़ों पर जो बकरियां घूम रही होती हैं वह पहले उन्हें ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं और उन्हें अपना निवाला बनाते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। इस बाज ने इस बकरी को पहाड़ से दोस्तों अपने पंजों से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है और दोस्तों जो बकरी है वह दोस्तों भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों यह बाज अपने पैरों से उस बकरी को काफ़ी बेरहमी तरीके से पकड़ लेता है और उसे दोस्तों नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और ख़ुद भी उस बकरी के साथ गिरता हुआ जाता है, जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। बाज और बकरी दोनों दोस्तों एक साथ यहां पर गिरे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों बाज यहां पर अभी भूखा है। यदि उसके चंगुल से यह शिकार निकल कर भाग गया तो दोस्तों उसे भूखा ही रहना पड़ेगा और शायद वह उसकी वजह से मर भी जाए। और दोस्तों वह काफ़ी तेज़ी से उसकी कमर को पकड़े हुए, उसकी गर्दन को दबोचे हुए है। यहाँ पर दोस्तों इस बाज ने लोमड़ी को अपना शिकार बना लिया है, जो कि दोस्तों दो बाज हैं। इन बाजों ने दोस्तों एक लोमड़ी को अपना निवाला बना लिया है। यह दोस्तों इतने ख़तरनाक होते हैं कि किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते जो कि इनके बस में होता है। यहाँ पर भी दोस्तों इस बाज ने जो कि एक जहरीला सांप होता है, जो कि किसी भी जानवर को अपने जहर से या इंसान को अपने जहर से पल भर में मार सकता है, यह उन खतरनाक सांपों का शिकार करते हैं, उन्हें अपना निवाला बनाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यह सांप अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों वह अपने मुंह को भी मारता है इस बाज के, लेकिन वह दोस्तों उसका मुंह अपने पंजों से बड़ी बेरहमी तरीके से उसका मुंह दबोच लेता है और दोस्तों जो सांप होता है वह तड़फने लगता है और वह उसे
बाज खाने लगता है। यहाँ पर दोस्तों यह एक है खरगोश और सामने से दोस्तों दिख रहा है एक बाज। बाज दोस्तों जैसे ही हमला करता है तो एक बार खरगोश बच जाता है, लेकिन दोस्तों दोबारा बाज दोबारा लौट करता है और वह दोबारा उस खरगोश पर शिकार करता है और उस पर धावा बोल देता है। लेकिन दूसरी बार में यह बाज उस खरगोश को पकड़ लेता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। यहाँ पर भी दोस्तों यह एक जंगली खरगोश है और उसके पीछे बाज। यह दोस्तों खरगोश अपनी जान बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब इस बाज के पंजे में कोई जानवर फंस जाए तो उसके पंजे से निकल पाना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों उसके पंजे काफ़ी नुकीले और तेज होते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो जंगली सुअर के बच्चे और उनमें से एक बाज ने उस बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। जो वॉर्थॉग थी वह वहाँ से भाग गई है, लेकिन उसका बच्चा जो है वह इस बाज के चंगुल में फंस गया है और उसने उस बाज के बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। और दोस्तों अपने पंजों के द्वारा और अपनी ताकत दिखाते हुए वह उसे आगे ले जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक सांप और एक बाज। बाज जो है दोस्तों वह काफ़ी जहरीला है, लेकिन बाज भी दोस्तों ख़तरनाक है। बाज दोस्तों उसे पूंछ की तरफ से खाना शुरू करता है और सांप जो है दोस्तों उसे फन मारने के लिए इंतज़ार करता है। लेकिन दोस्तों वह बाज जो कि उसको धीरे धीरे घायल कर रहा है और सांप जो है वह उसकी तरफ देख रहा है कि वह ऐसा क्या करे कि यह उस शिकारी से बच पाए। लेकिन दोस्तों इस बाज की पकड़ इतनी तेज होती है कि यह उसके चंगुल से निकल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर दोस्तों यह सांप अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन बाज उसे धीरे धीरे खा रहा है। यहाँ पर दोस्तों यह एक हिरन है जो कि उसके पीठ के ऊपर एक बाज बैठा हुआ है और वह दोस्तों उसे जिंदा ही नोच रहा है। दोस्तों जब यह बाज भूखे होते हैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए यह पक्षियों को, जानवरों को, सांपों को और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनसे इनकी भूख मिट सकती है, वह इन्हें अपना निवाला बना लेते हैं। यह दोस्तों हिरण ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों ना इनके सींग हैं ना और कोई और हमला करने वाली कोई अन्य चीज़ इनके पास, इसलिए दोस्तों यह इसकी पीठ पर बैठकर इसे घायल कर रहा है, इसे नोच रहा है। दोस्तों इस बाज ने अपनी चोंच के द्वारा इस हिरण को पीठ पर बहुत गहरा घाव कर दिया है और जो हिरण है वह दोस्तों चिल्ला रहा है। यह दोस्तों शिकारी ऐसे ही होते हैं। जंगलों में दोस्तों शेर होते हैं जो कि जानवरों का शिकार करते हैं, और पक्षियों में दोस्ती बाज और अन्य शिकारी पक्षी होती हैं वो कि जो कि इन छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया था यह बाज पक्षियों का शिकार करते हैं इन्होंने, और इस बाज ने इस बतख को अपना शिकार बना लिया है। यह बतख जो है दोस्तों तड़प रही है, लेकिन इस बाज ने उसे अपना शिकार बना लिया है और उसे गर्दन पर दबोच लिया है। वह दोस्तों बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाज जो है उसे बेरहमी तरीके से पकड़ लेता है। वह काफ़ी मशक्क़त करती है इस बाज से बचने की, अपने पंखों को फड़फड़ाती है, लेकिन दोस्तों उसकी गर्दन को इस बाज ने बहुत ही बेरहमी तरीके से पकड़ रखा है और उसे अपना निवाला बना लिया है। दोस्तों
यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।